हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? बहुत बहुत स्वागत है फिर से आपका एक नए वीडियो में। इस वीडियो में बात करने वाले हैं 2019 में जो पेपर सेट 101 है, 801 है। इसमें जो है कि क्या किया जाता है, इसमें जो है 8 पेपर सेट बनता है। ठीक है, क्या होता है, 8 पेपर सेट बनता है हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखें तो। इसमें जो पहला मैं पेपर सेट जो रिव्यू कर रहा हूँ 2019 के हिंदी पत्र प्रश्न का, जो कि स्टूडेंट को देखने की ज़रूरत है क्योंकि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, सभी जितने क्वेश्चन हैं उनके क्या करूँगा, रिव्यू करूँगा, बहुत ही धीरे धीरे करूँगा, जैसे आपको देखने में इसको आसानी होगी। ठीक है, पेपर को समझने में। ठीक है, तो पहला, निम्नलिखित कथनों में से किसी कोई सही। ठीक है, इसमें से क्या रहता है कि 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, और इसमें क्या कहेगा, कवि, रचना और विधा। क्या कह देता है, कोई भी रचना है वो किस विधा की रचना है, या कोई के कोई जो है लेखक के जो कि उपन्यासकार उसे महाकवि दे देगा। तो ऐसे करके वो क्या करना रहता है, इसमें क्या है, कथन को सही या गलत पहचान कर किसी जो इसमें से कथन आपको सही लगता है उसमें से कोई एक कथन आपको सही लगेगा उसको आप चूज करके भर देंगे। ठीक है, और अगला क्वेश्चन क्या रहता है, आपको 4 ऑप्शन दिया रहेगा। ठीक है, ख, ठीक है, पहले का ही ख रहेगा, जिसमें से क्या करेगा, एक 4 ऑप्शन ये रहेगा, एक रचना का रचना रचना रहेगा और रचना के लेखक का नाम रख लिखना रहेगा। ये तो बहुत इजी रहेगा, आप लोग कर लेंगे। और अगला क्या करेगा, 3 ऐसे ऐसे प्रश्न देगा। ठीक है, एक कोई भी रचना दे देगा, कहेगा इसके ये किस विधा की रचना है, और एक देगा किसी एकांकी के, एक क्या करना है, लेखक का नाम लिखना होगा, या फिर किसी एकांकी को दे देगा उसके लेखक का नाम लिखना होगा आपको, बाणभट्ट की आत्मकथा लेखक का नाम उल्लेख करना होगा। ठीक है, ऐसे कैसे करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मतलब आपकी किस विधा की रचना है, लेखक का नाम और कवियों का नाम और एकांकी की रचना कर, ये सब आपको देखना होगा। और अगला क्वेश्चन है कि प्रगति युग की दो प्रमुख प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ठीक है, प्रगतिवादी युग के दो प्रमुख विशेषताएं लिखिए, तो ये कितने नंबर का आता है, 2 युग का। इसमें देखिए केवल 3 प्रश्न 4 प्रश्न हैं जिससे आपको एग्जाम में अच्छे नंबर मिल सकते हैं, जैसे कि प्रगतिवाद, भक्ति काल, रीति काल, ये सब जो 2-3 प्रश्न है। ठीक है, प्रगतिवाद, रीति काल, भक्ति काल, वीर गाथा, यही 4 ऑप्शन है। इसी 4 में से दो क्वेश्चन या तो भक्ति गाथा या तो वीर गाथा या फिर भक्ति काल या प्रगतिवाद या रीति काल, इन्हीं 4ों में से 2-2 नंबर करके पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। ठीक है, और अगला भी सेम प्रोसेस रहेगा कि निम्नलिखित रचना में किसी एक रचनाकार का नाम लिखिए, तो इसमें 1 नंबर का दे देगा। ठीक है, 1 नंबर का देगा, और इसमें भी क्या करना होगा, आपको किसी एक रचनाकार का नाम लिखना होगा। ठीक है, 5 नंबर इधर और 1 नंबर सही वाला, 1 नंबर रचना और 3 नंबर, यानी कि 10 नंबर का क्वेश्चन आपका हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, तो आपको बता दें, अगला निम्नलिखित, ये 3रा प्रश्न है। ठीक है, निम्नलिखित गद्यांशों में किसी एक के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ठीक है, तो ये कुसंग का ज्वर सबसे नाश हो तो भयानक होता है, या केवल नीति और सदृश का ही नहीं नाश ही नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। मतलब ये कि ये मित्रता चैप्टर से आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, ठीक है, जिसका आप संदर्भ कैसे लेंगे, प्रस्तुत गद्यारोहण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक हैं निबंधकार हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी है। ऐसे करके आप इसका संदर्भ कर सकते हैं। ठीक है, इसमें से क्या करेगा, अथवा रखे दिया रहेगा, एक ये रहेगा और ये अथवा करके दिया रहेगा, जिससे मगर आज, मगर ऐसा ना आज तक हुआ है ना और ना होगा, दूसरों को गिराने की कोशिश तो हमें अपने को बढ़ाने की कोशिश नहीं कहीं की। तो ये कहने का मतलब ये है कि आपका इससे तुन गई मेरे मन से चैप्टर आप पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि उसमें बताया गया है कि आप किसी को, कोई कोई किसी के पास जाता है और दूसरों की बुराई करता है। ठीक है, और बुराई करके सोचता है कि उसकी आंखों में या फिर उसके सामने मेरी इज्जत क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, तो सो ये बात क्या है, गलत है। अब देखिए 4था प्रश्न, ये जो है हमारे गद्य खंड से होगा, इसमें कोई श्लोक दिया रहेगा, सॉरी श्लोक नहीं दिया रहेगा, कोई आपको पद दिया रहेगा, जैसे कि हमारे सूरदास हैं, तुलसीदास हैं, कवि बिहारी लाल हैं, तो ये सब 3 या 3 चैप्टर, देखिए देखिए जैसे लिया क्या है, कवि बिहारी लाल से, जब माला छापा तिलक सरे नायको कामू, मन काचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। ठीक है, तो ऐसे करके आपके एग्जाम में दिया रहेगा, ये भी 6 नंबर का हो जाता है। तो आपका 10 नंबर इधर, 6 नंबर इधर, 6 नंबर इधर, टोटल 22 नंबर का आपका पेपर हो गया। अब अगला है, अगला भी 6 नंबर का कंफर्म रहता है, आपके एग्जाम में आना ही। 1 जीवन परिचय आपको लिखना होता है पद्य खंड से, यानी कि
जैसे कि आगे दिया है आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पद्मलाल पूनालाल बख्शी, ऐसे लोग जो दिए रहते हैं, इनका जो है जैसे रामधारी सिंह दिनकर, तो इन लोगों को में से किसी एक ना एक का क्या किया जाता है, पूछा जाता है, जयशंकर प्रसाद ऐसे करके, ठीक है। तो जयशंकर प्रसाद ममता लिखे हैं, पद्मलाल पूनालाल बख्शी क्या लिखे लिखे हैं, भगवत सर को इनका छोड़ दीजिए तो लास्ट में है, तो इसका आने का चांस कम है। तो अभी अब आगे का चार चैप्टर याद कर लेते हैं किसी एक का जीवन परिचय, तो आपका एक जीवन परिचय यानी कि 3 नंबर कन्फर्म हो जाएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित ख इसी में क्या है, तो ये 3 + 3 6 यानी कि 22 6 कितना हो गया आपका, 28 नंबर का टोटल मार्क्स हो गया, ठीक है। और इसमें से क्या कहें, कवियों किसी एक कवि का जीवन परिचय आपको लिखना होगा, इसमें जो पहला सूरदास है, दूसरा तुलसीदास है, तीसरा बिहारी लाल है, नाम नरेश त्रिपाठी। तो आप इसमें भी यदि 4 चैप्टर आगे का जीवन परिचय देख लेते हैं थोड़ा थोड़ा, तो आपका भी इसमें 6 मार्क्स कोई काट नहीं सकता। और अगला है, ठीक है, वाराणसी नगरी से चैप्टर से क्या क्या गया है, उससे लिया गया, इसका संदर्भ से हमको क्या करना है, हिंदी में अनुवाद लिखना है, ठीक है। इसमें क्या किया, वाराणसी सुविख्यात प्राचीन नगरी एवं, तो इसमें कहने में तो कि गंगा कुले स्थित, ये जो नगर, ये बनारस जो है एक बहुत ही सुविख्यात, मतलब देश में विदेशों तक इसकी चर्चा है, यहाँ पे लोग घूमने आते हैं, सो यही बात है, इसके बारे में, इसके बारे में लिखना है, यहाँ ये पर्यटका सुबह देशे नित्यम नित्यम अत्र आयांति अस्था घटनाटना च शोभाम विकुल्य इमा बहु प्रशंसति, मतलब इसके बारे में आपको लिखना होगा। आप चैप्टर देख लीजिए, वाराणसी नगरी पहला है, और दूसरा जो है तीसरा चैप्टर है अन्योक्ति, ठीक है, अन्योक्ति विलासिता, तो उसमें जो हमें क्या किया, 4-5 श्लोक दिया है, तो उस श्लोक में हमको दिया है, तो इसमें से एक श्लोक तो इसको करना रहेगा संदर्भ सहित व्याख्या, या तो इस श्लोक का आपको संदर्भ सहित क्या कर व्याख्या करना होगा। अगला, अपनी पाठ्यपुस्तक कंठस्थ किसी किया हुआ कोई एक श्लोक लिखे जो प्रश्न पत्र में ना आया, मतलब इसको छोड़कर अपने हिंदी में से किसी एक का श्लोक लिखना है, ठीक है। तो बहुत श्लोक है, आप 3-4 श्लोक है उसमें से कोई एक आप लिख सकते हैं, ठीक है। और इसमें क्या किन्हीं दो का संस्कृत में लिखिए, ठीक है, ये जो किन्हीं प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्न का उत्तर लिखिए संस्कृत में, ठीक है। तो इसमें से क्या होगा, श्री केन वर्धते भारतीय संस्कृतम किन दिशा वर्धते, मतलब इसके जो संस्कृत में इसका क्या करना होगा, आपको आंसर दिया रहेगा संस्कृत गद्य खंड में, ठीक है। अब ये था हमारा कौथा, ये था हमारा 7वां क्वेश्चन, ये था 6वां, और जीवन परिचय 5वां, ठीक है, और 8वां। अब ये तो कंफर्म में आना ही आना है, क्योंकि इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, इसमें 2-2 नंबर का 6 मार्क्स का ये होता है आपका रस, ठीक है, रस अलंकार और रोला और सोटर छंद, ठीक है, रस छंद 16, ये हर साल रस छंद रोला और सोटर जो के ये हर साल आता है 6 मार्क्स का, इसमें कोई भी जो है कटौती नहीं होता है, ठीक है। और अगला है निम्नलिखित उपसर्गों में से किन्हीं तीन का मेल करके एक एक क्या करिए शब्द बनाइए, ठीक है। तो इसमें आप तो बहुत बचपन अकेलापन आप बहुत कुछ बना सकते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या करना रहेगा, पीछे क्या करना है इसका प्रत्यय बनाना, उपसर्ग बनाना होगा, उपसर्ग क्या करना होगा आगे लगा के, ठीक है, इसको जो है शब्द को आगे लगाना होगा, एक होता है प्रत्यय और एक होता है उपसर्ग। प्रत्यय में क्या किया जाता है, वर्ड को उपसर्ग में आगे लगा के बनाया जाता है, और प्रत्यय में वर्ड को पीछे लगा कर बनाया जाता है, ठीक है। जैसे कि अनुशासन, अनचाहन, ठीक है, अनोखा, तो ऐसे क्या करेगा, आना चाहिए सुविख्यात, सुस्वागत, ठीक है, एक एक वर्ड बनाना होगा, ज्यादा नहीं, अपमान, अपहास, उप अप अपहरण, ठीक है, ऐसे करके आप खुद से बना सकते हैं, इसमें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसमें 3 मार्क्स का आपका क्या रहता है, फिक्स रहता है, और 2 मार्क्स का ये होता है, इसे प्रत्यय होता है महत्व, गिनत्व, ठीक है, लिखावट, ठीक है, हवट है ना, आई है, लिखाई, बनाई, मिठाई, ठीक है, ऐसे कर करके आप बना सकते हैं, आप इसमें 1 मार्क्स ला सकते हैं, ठीक है। अगला, किन्हीं दो समास विग्रह कीजिए, और समासों के माता पिता जैसे कि द्विगी द्वंद्व समास, पीताम्बर, महात्मा, त्रिफला, पवन, ठीक है, बहुत सिंपल सिंपल है, ठीक है, ठीक है, इसमें कुछ भी ज़्यादा हार्ड नहीं, आप एक बार देखेंगे जिसको क्या करेंगे तो ये 2 नंबर का आपसे कर सकते हैं। निम्नलिखित किसी दो का तत्सम रूप लिखिए, तो इसमें तत्सम लखन, ठीक है, लखन, काग, बाति, नेह, निर्गुण, तो निर्गुण का हो जाएगा निर्गुण, ऐसे ऐसे करके आप जो है रूप में से किसी दो शब्द का करेंगे तो तत्सम रूप लिखना है, ठीक है। अगला है पर्यायवाची लिखना है, तो आप लिख सकते हैं अग्नि, आकाश, सूर्य, सरिता, वायु, वायु, पवन, ठीक है, अमी, समीर, बहुत है, उसमें कुछ आपको बताने की जरूरत नहीं होगा। और अगला क्वेश्चन है 10वां, 10वां है, इसमें क्या करें, संधि कीजिए और संधि का नाम लिखे, ठीक है, इन्हीं दो संधि का क्या करना है आपको, इसमें नाम लिखना है,
जैसे अतियुक्ति है, गुरु आदेश है, तो गुरु आदेश का गुरु आदेश हो गया, तो इसमें क्या करना है आपको पहचानना होगा, ठीक है, कि किस वर्ड से क्या बन रहा है और किस, इसमें आपको यदि संधि का नियम आता है तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। अलग निम्नलिखित शब्दों के रूप में पंचमी विभक्ति, ठीक है, अब ये विभक्ति कारक से आपका 4 नंबर का पूछा जाता है, ठीक है, विभक्ति और धातु रूप लकार, ठीक है, धातु रूप और शब्द रूप, ठीक है, ये आपके लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि एक एग्जाम में आपको 4 नंबर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसमें जो है कि तीसरा जो है कि ये देखिए, दो दो दो, ठीक है, कितने हो गए टोटल, टोटल हो गए 6 मार्क्स के, ठीक है। निम्नलिखित दो वाक्यों में संस्कृत में अनुवाद करना होगा आपको, इसमें से क्या करना होगा, इसमें कोई दो वाक्य जो इसको आप बना सकते हैं, जिसको कारक विभक्ति यदि आप याद कर लेंगे तो अच्छे से बना लेंगे, सो आपको ये 2 मार्क्स का हो जाता है, ठीक है। और निम्नलिखित विषय में किसी एक विषय पर क्या करना होगा, आपको निबंध लिखना होगा, ठीक है। निबंध लिखने के लिए आपको एक बता दूं कि आप निबंध वही लिखें जो आपको अच्छे से आता हो, जल संरक्षण की आवश्यकता और उपाय, खेलने की आंखों की वर्णन, ठीक है, मोबाइल फोन जो भी है, आप इसको यातायात की समस्याएं समाधान, तो ऐसे करके। और ये तो होता है कि आपको एकांकी खंड से पूछा जाता है, मुक्ति दूत है, मुक्ति दूत खबर खंड प्रमुख पात्र, ठीक है, प्रथम सर्ग की कथा वस्तु, प्रथम जो के प्रमुख पात्र का चरित्र चित्रण, ये जो 3 नंबर का आता है, यही हमारा क्या है लास्ट और आखिरी है, ठीक है। चरित्र चित्रण आपको ये याद कर लेंगे तो आपका हो जाएगा मुक्तिदत्त का 8 साल से ज़्यादा, ठीक है। तो अब हम मार्क्स लेते हैं, ठीक है, एक पहला देखिए, ये पहला टोटल कितना क्वेश्चन हो गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, टोटल कितने क्वेश्चन है, 12 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा नहीं है पूरे बोर्ड हिंदी का प्रश्न पत्र में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आए होगी, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए इसको लाइक शेयर कमेंट करें और हमें बताएं आपको वीडियो कैसी लगी, ठीक।